हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है, ये आप जानते हैं कि नेस्टिक मोमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने ट्रॉपिक मोमेंट अभी कंप्लीट किया, ट्रॉपिक मोमेंट आपको मैं 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ कि ऐसा मोमेंट जो डायरेक्शनल हो, ग्रोथ के साथ हो, उसे हम ट्रॉपिक मोमेंट कहने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आगे ओलंपियाड एग्ज़ाम हो या आपके नॉर्मल एग्ज़ाम हो, दोनों में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है ये, ठीक है ना। तो भाई नेस्टिक मोमेंट जो है नॉन डायरेक्शनल मोमेंट है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला मोमेंट है, इसको हम बोलते हैं थिग्मो नेस्टिक। थिग्मो नेस्टिक मोमेंट, तो थिग्मोनेस्टिक मोमेंट यानी जो रिस्पॉन्स के मतलब टच के रिस्पॉन्स में हो, उसे हम थिग्मोनास्टिक रिस्पॉन्स कहेंगे। डिटेल में जिसको पढ़ना हो ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छी जानकारी आगे मैं देने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी नेस्टिक मोमेंट के बारे में कि कैसे मिमोसा प्लांट के लीफ जो है, मिमोसा यानी कि टच मी नॉट प्लांट की लीफ कैसे श्रिंक हो जाती है। तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, तो इसको स्किप मत करना, ध्यान से देखना क्या है यहाँ पे कि जो लीफ का हम पहले जनरली डायग्राम समझेंगे, जो डायग्राम है लीफ का वो कैसा होता है। भाई डायग्राम ये है कि ये कंपाउंड लीफ कहलाती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये मतलब जिसमें पिन्ना पाए जाते हैं, पिन्ना इसको कहते हैं जिसमें कई सारे ऐसे, जिसमें पिन्यूल्स यानी ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इनको पिन्यूल्स कहते हैं, उसके कंबाइंड स्ट्रक्चर को पिन्ना कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जिससे सेंट्रल एक्सिस से ये पिन्ना जुड़े होते हैं, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसको रेचिस कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। इसके बाद जो शुरुआत का जो ऊपर का जो स्टिक है, जो ब्रांच की जो मतलब सेंट्रल ब्रांच की जो छोटी ब्रांच है, उसको हम लोग पेटियोल कहेंगे, और ये पेटियोल मेन ब्रांच से कनेक्टेड होगी। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझ में आ गया हो, तब मैं उसके बाद आगे अगला टॉपिक आपको और बताता हूँ। जो अभी मैंने आपको डायग्राम समझाया कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ मैंने जो आप लोगों को समझाया था, उसके बारे में हम समझ गए। थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं कि पिनेटली कंपाउंड लीफ अभी किन किन और चीजों को अपने साथ में रखती है। तो जब हम ध्यान से देखते हैं इस चीज को, तो ये देखिए यहाँ पे ये लीफ का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, पल्विन्यूल के बारे में बताया जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये लेक्चर थोड़ा डिटेल में है, तो अगर आपको समझना हो तो आप डिटेल में समझिए कि पल्विन्यूल क्या होते हैं। पल्विन्यूल ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसे मास ऑफ सेल्स होती हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं और लीफ को क्लोज होने के लिए मदद करती हैं। तो ये जो पौधा है, आप जानते हैं कि ये टच मी नॉट यानी ये मिमोसा पुडिका टच मी नॉट पौधा है ये, और जब आप इसको टच करते हैं तो इसकी लीफ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो मेन काम कौन करता है, पल्विन्यूल करता है। पल्विन्यूल क्या है, मैं वापस बता रहा हूं, पल्विन्यूल एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो 3 जगह पर पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 जगह कहां पर होती है वो 3 जगह। पहली जगह आपको ये बात बहुत ध्यान से समझ में आनी चाहिए कि पहला स्टेम तो ये जा ही रही है, उसके बाद स्टेम के बाद जब आता है पेटियोल, तो पेटियोल का जो सबसे वो पार्ट जो स्टेम से कनेक्टेड है, वहां पर होता है प्राइमरी पल्विन्यूल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गुड। सेकेंडरी पल्विन्यूल कहां पे होता है, जब आप ये लीफ के ये बाकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, मैंने इसका भी नाम बताया था पिन्ना, याद है ना आप लोगों को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या है, पिन्ना। अभी पिन्ना जहां से कनेक्टेड है, किससे, पेटियोल से, पेटियोल और पिन्ने के बीच में जो ये कनेक्शन बन रहा है, यहां पर सेकेंडरी पाया जा रहा है, ये आपको दिख रहा है सेकेंडरी पल्विन्यूल, वही है सेकेंडरी है। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, रेचिस आपको दिख रही है, ये रेचिस है जो बीच का स्ट्रक्चर है, गुड, वेरी गुड। रेचिस जब इसमें से आगे बढ़ रही है, तो देखना यहाँ पे जो साइड में निकली हुई है, इनको हमने क्या नाम दिया था, लीफलेट्स, ये तो है लीफलेट, ये लीफलेट। अब इन लीफलेट्स को आप यहां पर देखिए, मैं एक्सपेंडेड वर्जन यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये क्या चीज है, तो आप इधर देखिएगा ध्यान से कि ये क्या दिखा रहे हैं। तो लीफलेट जब आप यहां देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पर सेंटर में ये रेचिस है, ये रेचिस याद रखिएगा, रेचिस के सेंटर में यहां पर होता है वैस्कुलर टिश्यू,
वैस्कुलर टिश्यू के बाद जब आप जाएंगे तो वो पूरी इधर उधर लीफलेट पाए जा रहे हैं, आपको लीफलेट दिख रही है यहाँ पे, वेरी गुड। लीफलेट के और रेचिस के जो बीच में दिख रहा है आपको, ये टर्सरी पल्वेन्यूल है, यानी लीफलेट और रेचिस के बीच में टर्सरी पल्वेन्यूल है। तो तीन पल्वेन्यूल पता चल गया आपको, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ये तो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले वाला कौन सा स्ट्रक्चर समझाया, पहले पूरी लीफ के बारे में बताया, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो आपको मैंने और डिटेल में बताया, पल्वेन्यूल के बारे में बताया, उसके टाइप्स बताए। अब मैं आपको तीसरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसके एक्चुअल मैकेनिज्म कि वो कैसे बंद होता है। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। देखिए जो मैंने आपको अभी जो डायग्राम दिखाया, अब उसका एक डिटेल वर्जन, डिटेल वर्जन क्या है, यहां पर अभी मैंने आपको इसके बारे में समझाया, ठीक है, लेकिन यहां पर अब इसका एक और एक्सटेंशन वर्जन है कि पल्विनस के जो साइड होते हैं, अब असली खेल आने वाला है, असली खेल आने वाला है कि क्या कैसे ये काम हो रहा है यहां पर, ध्यान से देखना है। यहां जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के जो मतलब टाइप्स हैं, जैसे आउटर साइड होगा, पल्विनस को अलग अलग साइड में डिवाइड किया गया है, आउटर साइड जो है वो एक्सटेंसर सेल के नाम से बुलाया जाएगा, नाम याद रखिएगा, एक्सटेंसर सेल आउटर साइड में होगी, और फ्लेक्सर सेल्स इनर साइड में होगी। कहां पर होगी, फ्लेक्सर सेल लोअर साइड कह सकते हैं आप, और एक्सटेंसर सेल अपर साइड कह सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए तो अब ये होने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म आएगी कि कैसे ये होता है। ओके, तो जो अब मेन पॉइंट आने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब मेन पॉइंट आएगा। अभी तक तो सिर्फ डायग्राम बाजी थी, अब मेन आता है टॉपिक कि कैसे ये बंद होता है, तो उस बात को हम ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। यही मेन टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूं। जो टच स्टिमुलाई है, यानी जैसे ही आप टच मी नॉट को टच करेंगे, ध्यान से समझिए, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा इस पॉइंट को, इतना आसान पॉइंट है ये, ध्यान से समझिएगा। टच करना एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन कहलाता है, यानी आपने किसी इसको टच किया, जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो टच मी नॉट की जो लीफ है उस टच को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है। ओके, यहां तक तो समझ में आया। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही आगे तक बढ़ता है तो अब यहां पर होता है, यहां पर काम क्या, ये फर्स्ट पॉइंट ये होता है, देखिए ध्यान से, इसी से क्या होता है, जो आयंस का जो फ्लो है वो एक्सटेंसर सेल से आउटसाइड को चला जाता है। नहीं, यहां पे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, यानी एक्सटेंसर सेल्स अपने आयन लूज कर देती है, पहला पॉइंट नंबर वन। इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि जैसे ही आप मैकेनिकल सिग्नल देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, तो इंपैक्ट सबसे पहले किस पे पड़ने वाला है, एक्सटेंसर सेल्स पे, और ये अपने आयंस लूज कर देंगे, तो आपको मालूम होगा आयंस कम हो जाएंगे यहां पे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। आयंस जैसे यहां पे लॉस होंगे तो अब यहां पर क्या आने लगेगा, टर्गर प्रेशर, यानी अब ये चेंज आने लगेगा। क्यों आने लगेगा वो समझिएगा, इसमें अब क्या होगा, इसके अंदर जो मतलब आप ये समझिएगा, ये हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए बात याद करिए, नाइन्थ में जो आपको पढ़ाया गया था कि अगर सपोज यहां पर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो प्रपोर्शन है, बात को समझना है यहां ध्यान से, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहां पर भी लिख रहा हूं मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जगह पे, यानी एक्सटेंसर सेल्स और फ्लेक्सर सेल्स के दोनों में कंपैरिजन में ध्यान से समझा रहा हूं। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी यहां पर सॉल्यूट जो था, यानी आयंस मूव हो गए, तो अब किसकी वैल्यू बढ़ रही है, सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बोलिए। यहां सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ेगी ना, जब यहां से आयंस निकल जाएंगे तो यहां सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ेगी, पर यहां तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब जब सॉल्वेंट की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी तो समझिएगा यहां पे क्या होगा, टर्गर प्रेशर, यानी अब कैसे ये जो सॉल्वेंट है अब वो यहां से नीचे की तरफ मूव होने लगेगा। पॉइंट नंबर टू, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट नंबर टू, पहले आयन मूव कर गए,
सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ गई, सॉल्वेंट यानी वाटर का जो अमाउंट, अमाउंट मतलब कहने का मतलब कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वो इंक्रीज हो गया। सीधी बात देखिए, दोनों जगह पे डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां आयन चले गए भाई, आयन ही तो सॉल्यूट कहलाते हैं ना वहां पे, बिल्कुल इजी पॉइंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट आयन्स थे, आयन्स चले गए तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब जब इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं आया, यानी यहां हाई वाटर ऑस्मोटिक यानी कॉन्सेंट्रेशन का है यहां पे। अब यही वाटर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, बात समझिए, यहां पे ये वाटर यहां से यहां जाने लगेगा, यहां वाटर का अब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर बढ़ेगा, यहां पर जो है जो ऑस्मोटिक जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक जो लोअर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है, देखिए तो अभी जो मैंने आपको समझाया कि जब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो वाटर का जब यहां से मूवमेंट हो रहा है, अब देखो वही बात मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आयन निकल गए, वाटर वैल्यू बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर वाटर का बढ़ गया है। अब ये वाटर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो यहां प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा। और जब यहां प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां पर टर्गर चेंज आएगा, और ये टर्गर चेंज आने से क्या होगा, यही होगा मैकेनिज्म कि जैसे ये हैंड है मेरे, अब ये विंग जैसे ये हैंड दिख रहा है, मान लो यहां से प्रेशर रिलीज होकर नीचे की तरफ जा रहा है, प्रेशर जा रहा है, तो ये जो प्रेशर नीचे हो जाएगा ये इसको ऊपर को ही ढकेलेगा ना, और जब ये इसको ऊपर को ढकेलेगा तो क्या होगा, ये जाके ऐसे बंद हो जाएगा, तो वही यहां पे हो रहा है, ये ऐसे हो जाएगा। तो बस यही मेन पॉइंट था, पूरी मेन कहानी यही है कि टच मी नॉट प्लांट कैसे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं इस चीज के लिए। तो बस यही था फाइनल वीडियो, थैंक यू। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। देखिए अभी मैं जो आपको, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया, यानी कि मैंने पढ़ाया थिग्मोनास्टिक मोमेंट इन टच मी नॉट प्लांट, थोड़े से एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे नेस्टिक मोमेंट, निस्टिसिटी और फोटोनेस्टी, ये भी दोनों हम पढ़ने वाले हैं। तो फोटोनेस्टिक जैसे का नेस्टिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी, लाइट रिस्पॉन्स के आधार पर अगर होता है, और नेस्टिसिटी जो है ये मोमेंट है जिसमें एसोसिएट होगा डाइयूरनल चेंज ऑफ टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी। अब इसमें क्या होता है, नेस्टिक में द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सम फ्लावर, ये तो आपको पता है। उसके बाद डाइयूरनल मतलब ओपनिंग ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजेज एट द नाइट, इसमें होता क्या है चलिए वो देख लेते हैं। जैसे ये मरांथा नाम का एक प्लांट है, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है ये इसके लिए, और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसे क्या लिखा हुआ है कि द ड्यूरिंग द डे, सेकंड लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ, ड्यूरिंग द डे द लीव्स आर ओपन एंड एज द सनसेट लीव्स फोल्ड अप, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, गुलमोहर इसका एग्जाम्पल है, इमली इसके एग्जाम्पल है, और भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इसके एग्जाम्पल है, जिनकी लीव्स दिन में ओपन होती है और रात में बंद हो जाती है, जैसे कि प्रेयर कर रहे हो, तो इनको प्रेयर प्लांट्स भी बोलते हैं। और ये फोटोनेस्टिक जो आ रहा है, अब फोटोनेस्टिक क्या होता है कि ये टेम्परेचर जैसे यानी दिन में जब लाइट होती है तो ये ओपन होते हैं, और जब नहीं होती है तो ये बंद हो जाते हैं, तो ये मतलब रात में बंद होते हैं दिन में ओपन होते हैं, तो ये फोटोनेस्टिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर जो अगर मैं इसके डायग्राम को दिखाऊं आपको तो ध्यान से देखिएगा इसका डायग्राम क्या बोलता है, कि जो कूलिंग डाउन यानी जैसे रात होती है तो देखो इसके आउटर और इनर सरफेस को अलग अलग कलर से जो है आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आउटर सरफेस जो है अगर कूल होता है तो उधर की सेल्स ग्रो होना चालू हो जाती है, तो वो अंदर इनवर्ड बो मूवमेंट करता है, और अगर वो वार्म अप होता है यानी दिन होता है तो वो इनर सरफेस ग्रो होना चालू हो जाती है। कितना क्लासिक और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, तो पूरा यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है इसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेस्टिक मोमेंट समझ में आ गया होगा, तो ये काफी आपका जो है काम का वीडियो है, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लांट हार्मोन, तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई फ्रेंड भी हो तो उसको भी रिकमेंड करिए।
ताकि ये एजुकेशनल वीडियो है, मेरा पर्पस है एजुकेशनल वीडियो इसलिए बनाने का ताकि ये उन्हें मिल सके जिन्हें शायद प्रॉपर एजुकेशन या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव के बच्चे हैं जिन्हें अभी ठीक से क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, या जो है मतलब टाइम उनका गेम खेलने में जाता है या दूसरी चीजों में जाता है, तो उन्हें थोड़ा मोटिवेट भी करें और कोशिश करें कि एक अच्छा काम हो सके। तो आप प्लीज उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें जरूर इस चीज के लिए मोटिवेट करें। तो मुझे बस आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके बाय।